बताने से भी ना सिर्फ नाम आता है, कुछ भी लिखाने से लिस्ट में आता है, फिर अपने आप दब जाता है। इंदिरा आवास आया और ना बोरिंग के लिए क्या बोलते हैं तो नहीं, सौर ऊर्जा भी आया, गड्ढा भी खोदा है, उसको सामान भी गिराए, और सामान को ना कौन ले गया कौन नहीं पता नहीं चला। पंचायत में, हाँ पंचायत में, पंचायत में वोट ना जब जरूर चिपक जाता है, लेकिन ना वहाँ से ना किसी को ना इंदिरा आवास आज तक से नहीं मिला। तो सरकार तो देता है ना, तो हर महीना देना चाहिए। तो ये विधवा लोग क्या कमा के खाएंगे, अभी बुड्ढे हो गए क्या कमा के खाएंगे। आप लोग कभी विधायक जी के यहाँ नहीं गए, विधायक जी से जाके बोलना चाहिए ना। बोल बोल के थक गए, हम खुद शर्मिंदा हैं बोल बोल के। पूरा पानी तो अंदर घुस रहा है, रोड चौड़ा हो गया, हमारे घर नीचे हो गया, हमारे पास इतना की दम नहीं है कि हम और ऊँचा बनाएंगे घर। हम गरीब क्या अपना पेट पालेंगे कि ऊँचा घर बनाते बनाते रहेंगे। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, अभी हम लोग जगदलपुर के पास में हैं, मतलब ये जगदलपुर का दूसरा छोर है, अगर आप चित्रकूट जा रहे हैं तो, मतलब जगदलपुर से 1 किलोमीटर की भी दूरी पे ये नहीं है गांव। यहाँ पर इतनी सारी समस्याएं हैं, पानी की समस्या, बिजली का समस्या, घर का समस्या, रोड के नाली का, बहुत सारी समस्याएँ हैं। अभी मेरे साथ बहुत सारे महिलाएं, बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे यार जुड़े हैं। आइए मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि इस गर्मी भरे, मतलब अप्रैल का समय चल रहा है तो ये हाल है, अभी मई आने वाला है, जून आने वाला है, कितनी पानी की समस्या है आप लोगों को आगे पता चलेगा। तो चलिए आइए बात करते हैं कि नेगीगुड़ा, नेगीगुड़ा नाम है इस जगह का, अगर जी जगदलपुर से 1 किलोमीटर की दूरी है, मतलब जगदलपुर का दूसरा छोर है। आप लोग जरूर आइए, देखिए इधर की समस्या है। मेरी सारे नेताओं से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इधर आइए, देखिए बाकी बातें आगे तो हम लोग करेंगे ही। देखिए यहाँ एक नल है, अभी वहाँ पर इतने सारे बर्तन रखे हुए हैं कि पानी आएगा तो उसमें भरा जाएगा। ऐसे मतलब ये बहुत बड़ा मोहल्ला है, बहुत सारे घर हैं, बहुत सारे लोग हैं। आइए मैं, दीदी आप बताइए आपके मोहल्ले में कैसी कैसी समस्याएं हैं। जैसे दीदी ने बताया कि पानी की बहुत समस्या है, बिजली की भी समस्या है, रोड की भी समस्या है, आप सारी समस्याएं जो भी है आप बताइए। हम लोग ना सब सरपंच ग्राम सभा होता है, हम लोग ना जितना भी हम लोग का समस्या है, जितना भी हम लोग का दुख है, दर्द है, सबको वहाँ पे बताते हैं। बताने से भी ना सिर्फ नाम आता है, कुछ भी लिखाने से लिस्ट में आता है, फिर अपने आप दब जाता है। इंदिरा आवास आया और ना बोरिंग के लिए क्या बोलते हैं तो नहीं, सौर ऊर्जा भी आया, गड्ढा भी खोदा है, उसको सामान भी गिराए, और सामान को ना कौन ले गया कौन नहीं पता नहीं चला, गड्ढा को अपने आप फाड़ दिए। देख लीजिए, मतलब आजकल घोटाला के अलावा और कुछ नहीं हो रहा है। सब लोग बोल रहे हैं, चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी हो, प्रधानमंत्री जी हो, कि विकास होगा, भारत तरक्की करेगा, विकास करेंगे, लेकिन यही विकास हो रहा है। क्या बोल रही हैं दादी आप बताइए। देखिए दादी बहुत अच्छी बात बता रही हैं, हम दादी से जानते हैं। दादी क्या क्या समस्या है, मैं चाहता हूँ आप बताइए, डरिए मत, हम लोगों का अधिकार है, हम अपने हक के लिए आवाज उठा सकते हैं, लड़ सकते हैं, बताइए। इंदिरा आवास आता है आपस जाता है, हमको मिलता नहीं है, सिर्फ नाम भर सुनते हैं लोग बाग कान से, और हमको मिलता नहीं है, कुछ नहीं है। और बोरिंग के लिए सामान गिरा वो आपस गया, वो उधर है कि नहीं, गिट्टी नहीं है, रेती नहीं है, माटी नहीं है, कुछ नहीं है, आपस चला गया, कौन ले गया पता ही नहीं चला। मतलब सब सामान गिर गया था, सब सामान गिर गया था, रेती गिट्टी मट्टी बनाने के नाम पे, गड्ढा भी खोदे हाँ, और वो पता नहीं। तो यहाँ के जो सरपंच है, आपने उनसे नहीं बताया कि आगे सामान कहाँ गया। बार बार बताते हैं बाबू और बोरिंग के पास जाओ, हाँ। कितना गंदा में पी रहे हैं। अगले साल का सरपंच है ना, वो ले गया, अच्छा। इस साल सरपंच वो भी बताए आया है, 4 टन सौर ऊर्जा बोले, नेंगी गुड़ा भाटा गुड़ा दूर की गुड़ा में, तो वो भी नहीं आया है। तो आप पूछी नहीं कि ये कब लगेगा, जब इलेक्शन आएगा 10 दिन बाद वोटिंग करना रहेगा तो आप लोग लाएंगे दिखाने के लिए कि ये देखो हम लोग सौर ऊर्जा लगाने वाले हैं, वोट दो। बताते हैं फिर भी नहीं सुनते, हाँ हाँ बना देंगे बोलते हैं, फिर अपने आप भूल जाते हैं। फिर नाली को भी देखो कैसे कितना गंदा है। गर्मी का समय है, आप लोग जितनी समस्या बता रही हैं पानी का, हाँ बताइए आप। तो अगले साल ना सरपंच था तो उतना समय से घर घर में नल आया, तो ये इस बार सरपंच हुआ फिर भी बताया घर घर में नल लगेगा बोले, लेकिन अब तक नहीं लगा। अभी और 5 साल फिर जाएगा, फिर अगले बार फिर सरपंच आएगा, फिर भी ऐसी बोलेगा, फिर भी वो भी झूठ बोलेगा। नहीं नहीं, तो इस बार जब वोट मांगने आएंगे तो आप लोग सीधे बोलिए कि जब तक हमारे यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं होगी हम लोग वोट ही नहीं देंगे, सीधे बोलिए।
तो फुसाते हैं हम लोग को, बना देंगे। देखिए अब तो आप समझ गई ना कि आपको फुसलाते हैं। अब आप सीधे बोलिए कि देखिए आपकी मीठी मीठी बातों में हम लोग नहीं आने वाले हैं। देखिए दीदी क्या बोलिए, दीदी से सुनते हैं। हाँ दीदी बताइए क्या है। पहले मीठी मीठी बात करते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे सब बोलते हैं, उसके बाद ना कोई नहीं करते हैं, चले जाते हैं, पलट के भी नहीं देते हैं दोबारा बोर्ड जीत गए बोलने से। तो देखिए आज तक से सब नेता आए। दीदी मेरा बात सुनिए, मैं यहाँ पर आपको गलती इसलिए ठहरा रहा हूँ कि जब आपको पता है कि वो मीठी मीठी बात करते हैं, आके फुसलाते हैं, तो अगर इस बार वो वोट मांगने आएंगे तो आपको सीधे क्या बोलना है? अभी सीधा बोलना है पहले काम करो उसके बाद वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। जो ना विधवा है, विधवा पैसा भी किसी को मिलता है, किसी को बिल्कुल नहीं मिलता है अभी तक से। आज तक से हमारी यहाँ ना ज्यादा नहीं होने, 5 साल हुआ मेरे ससुर खत्म होके, आज तक से मेरे सास को विधवा पैसा नहीं मिला। मतलब हर चीज में घोटाला ही हो रहा है। और एक महीना हर महीना ना विधवा पैसा भी कभी किसी को नहीं देते हैं, 2 महीना 4 महीना 6 महीना नहीं तो साल भर उसके बाद मिलता है। तो सरकार तो देता है ना, तो हर महीना देना चाहिए। तो ये विधवा लोग क्या कमा के खाएंगे, अभी बुड्ढे हो गए क्या कमा के खाएंगे। वहाँ जाके देखो आगे में घर में है, उसको ना हाथ पैर नहीं चलता है अभी तक से ना। आज बना के देंगे कल बना के देंगे बोलते हैं, आज तक से बना के नहीं देंगे। अच्छा ये बताइए कि आगे सरपंच जी किधर रहते हैं, मैं भी थोड़ा जाके उनसे मिलना चाहूंगा। सरपंच तो भाटागुड़ा रहते हैं उनका, उसका मेरा नाम उनका नाम पता नहीं पता, लेकिन जानती हूँ भाटागुड़ा में रहते हैं। कि सरमे में भी क्या है, लेकिन भतरा बोलते हैं आदिवासी होगा। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, इंसान तो है ना, जात पात से लेना देना नहीं है। अभी तक से 5 साल 10 साल हो रहा है, घर घर में पानी घुस रहा है इधर हमारे मोहल्ले में, इस बार 14 बाढ़ में। आज तक से आज बनाएंगे नाली, कल बनाएंगे नाली, आज तक से नहीं बना है। पानी गिरने से ना हम लोग डूम डूम के फेंकते हैं कटरा में लेके, ऐसी डूम डूम के पूरा पानी तो अंदर घुस रहा है। रोड चौड़ा हो गया, हमारे घर नीचे हो गया, हमारे पास इतना की दम नहीं है कि हम और ऊंचा बनाएंगे घर। हम गरीब क्या अपना पेट पालेंगे कि ऊंचा घर बनाते बनाते रहेंगे। आज का एक बात बताइए, आप सभी लोग यहाँ जुटे हैं, क्या क्या समस्याएं आप लोग हमारे माध्यम से सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं बताइए। अरे इंदिरा आवास भी हर कोई किसी का नाम निकला था, और इंदिरा आवास होते होते ना उनका जान चले गया, वो मर भी गए, उसका बच्चे लोग छोटे छोटे हैं अभी, ना उनको इंदिरा आवास मिला ना कुछ नहीं मिला। इंदिरा आवास चक्कर में ना उसका जान चले तो गया ना, अभी जान तो सरपंच ना सोचो ना गांव वाले ना हम कोई नहीं ला के नहीं दी। उसका लिस्ट में नाम भी आया था, नाम भी पढ़ के आए थे, फिर भी वो नाम ना कहाँ गया, कि भगवान खाया का धरती खाया का ऊपर वाला मालिक ले गया भगवान जाने, उसको भी इंदिरा आवास नहीं मिला। सबका नाम ने इंदिरा आवास जरूर लिस्ट में वहाँ क्या बोलते हैं लग गई का ना अभी पंचायत में, हाँ पंचायत में, पंचायत में वोट ना जब जरूर चिपक जाता है, लेकिन ना वहाँ से ना किसी को ना इंदिरा आवास आज तक से नहीं मिला। हाँ हर मोहल्ला में जो रईस है उसको इंदिरा आवास मिलता है, हमारे पास क्या है सर, जाके झाँक के देखो, खाने के लिए दाना नहीं है, रमन सिंह चावल दे रहा है बोल के उतने ही हम लोग खुश हैं। वो भी बंद होगा ना तो हम एकदम गरीब माने गरीबी है। नहीं देखिए सही समय है अभी आवाज़ उठाने का, आप लोग अपने हक के लिए लड़ाई लड़िए, अपना आवाज़ उठाइए, चाहे कोई भी सरकार रहे, कांग्रेस रहे भाजपा रहे। आवाज़ उठाएंगे ना उधर से 20 जन होते हैं कि हमारे आवाज़ दब जाए नीचे, ऐसी हो जाता है। देखिए आवाज़ दबाने वाले कोशिश कर रहे हैं ना, तो आवाज़ उठाने वाले भी कोशिश करें, कोई दिक्कत नहीं। हर कोई साथ नहीं देते हैं ना, यही मोहल्ला वाले हम क्या कर सकते हैं, इतने ही मोहल्ला वाले यही मोहल्ला में परेशान है। और सबके पास खेती है बाड़ी है जमीन है, हमारे पास तो पेशाब करने के लिए जगह नहीं है, जितना है उतने ही में हम लोग खुश हैं। लेकिन ना ये नाली उली भी तो इंदिरा आवास सरकार दे रहा है, उसको भी तो दे सकते हैं ना गरीब को। देखिए दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि जगदलपुर के मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर कितनी सारी समस्याएं हैं। मेरा भी सरकार से निवेदन है कि आप लोग इलेक्शन टाइम बहुत सारे बड़े बड़े वादे कर लेते हैं, चाहे कोई भी सरकार हो, थोड़ा सा आइए गांव में देखिए क्या समस्याएं हैं, क्या क्या चल रहा है। मतलब लोग बिल्कुल ना खुश हैं, इनका कहना है कि आप लोग बस वोट मांगने आएंगे तो बड़े बड़े वादे करेंगे कि ये कर देंगे वो कर देंगे, बहुत सारे वादे करते हैं, लेकिन इलेक्शन खत्म होते एक वादे पूरे होने का नाम नहीं लेते हैं आप लोग। तो मेरा भी सर आधा अधूरा भी नहीं किए हैं इधर,
कि वादा करके पूरा नहीं किए आज तक से। पानी दे रहे हैं उसको तो दे रहे। देखिए दादी क्या बोल, हाँ दादी बताइए आप क्या बोलना चाह रहे हैं। पानी पी रहे हैं ऐसे वाले पानी कोई पियेंगे? वो बोरिंग है, बोरिंग में पूरा कचरा भरा हुआ है, वहाँ का पानी पी रहे हैं। बच्चे लोग बीमार पड़ेंगे तो हमको देंगे कौन? कहाँ से बच्चे लोग को पालेंगे कि उन लोग को इलाज कराएंगे? ऐसे समस्या हो गया है हमारा ये मोहल्ला में। सब तरफ ठीक है, हमारा ही मोहल्ला एकदम, हम लोग गरीब है तो एकदम गरीब बेचे है, कुछ नहीं है। जब आपके मोहल्ला में देख रहे हो ना, कोई कहीं भी दीवार नहीं है, फटा टूटा है पूरा। कितना मेहनत करेंगे, सरकार तो चावल दे रही है देने के लिए, लेकिन मेहनत कर रहे हैं, सब्जी भाजी खरीदेंगे तो कहाँ से पैसा बचेगा हमको? देखिए चावल दे भी दे देंगे और पानी ही नहीं देंगे तो चावल कैसे बनाएंगे? बना के खाएंगे हैं? उसमें भी तो देखना चाहिए ना, जो भी बनते हैं अच्छा से घुस जाते हैं, बाहर फिर दिखाते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप दिखाइए उधर थोड़ा, देखिए दीदी पानी लेके आ रही है ऐसे धूप में, गर्मी के धूप में, मतलब वो कहाँ से पानी ला रही होंगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इतने दूर दूर से लोग पानी भर के अपने घरों में लेके जा रहे हैं। इतना इतना घर घर में 10 जन 12 जन परिवार हैं, कितना पानी लाएंगे बाहर से दिन भर? और बोरिंग में भी अच्छा से पानी निकलता ही नहीं है, पाइप ठीक नहीं है, और जमीन में पूरा गंदा है। 10-20 रुपया बनाते हैं सर, और ना बोरिंग को ना मिस्त्री लाके खुद बनाने बोलते हैं। आज तक से कोई सरपंच नहीं बना दिया, ना अभी का सरपंच ना पहले का सरपंच। आप लोग कभी विधायक जी के यहाँ नहीं गए? विधायक जी से जाके बोलना चाहिए ना। बोल बोल के थक गए हम, खुद शर्मिंदा है बोल बोल के, शर्मिंदा खुद है। जगदलपुर के विधायक से भी हमारा कहना है कि देखिए सर, पहले सुनो मेरे बात, हम अनपढ़ हैं, उन लोग बोलते हैं लिख के दो, हम अनपढ़ वाले अंगूठा वाले कहाँ से लिख के वहाँ आगे जाके देंगे? कहीं भी जाओ, कहीं भी मीटिंग में जाते हैं ना, मुंह से बोलने जाएंगे, खड़े होंगे तो लिख के दो, हमारे लिए कौन लिख के देंगे? हम तो पूरा इतना यहाँ पास जितना है एक दुक्का पढ़े लिखे हैं और पूरा अंगूठा वाले। देखिए हमारे साथ एक दादा भी है, आइए दादा से बात करते हैं। दादा बताइए आप, देखिए सारी दीदी लोग से मैं बात कर लिया, बहुत सारी समस्याएं बताए, आप बताइए, कहीं ना कहीं आप इनके बीच रहते हैं, इतनी सारी समस्याएं हैं, आप लोग आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? क्या पता सर, अब देखो ग्राम पंचायत में ग्राम सभा होता है, औरत मन सब जाते हैं वहाँ, क्या क्या लिखाते हैं, क्या क्या करते हैं, सब लोग रहते हैं, लिख कर ले जाते हैं। अब 40 साल हो गया मेरा मंदिर है, ये पास पानी नहीं है, सुविधा नाली का ठीक नहीं है, मैं पीने के, मेरे यहाँ खूब लोग आते हैं सर, पानी पाए धोने के लिए जगह नहीं रहता है, पानी नहीं रहता है, क्या करेंगे? ये पास थोड़ा सा बोला था तो ये पास थोड़ा नल निकाल दिए हैं, उसमें भी पानी नहीं आ रहा है, वो कभी 12 बजे देता है, कभी 2 बजे देता है, उसमें क्या करेंगे सर? पीने के लिए पानी के लिए तड़प रहे हैं, अरे इधर नाली नहीं है, इधर से पानी भर जाता है, घर के अंदर घुस जाता है। देखिए दादा मैं जैसे दीदी से बोला, जगदलपुर से बहुत पास है, तो आप लोग एक मतलब ग्रुप बना के या जो भी अपने लोग हैं उनका टीम बना के कभी विधायक जी से जाके नहीं मिले आप लोग? नहीं, उन लोग तो आते हैं सर यहीं पास, ये पास आते हैं, उतना समय आएंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, सबको मना देंगे, बोलते हैं एक एक मूटा लाइट चना धरा देते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, और उसके बाद वोट मांग लेते हैं, हम खुश के लिए दे देते हैं वोटे मोहल्ला के लिए, हमको बोलते हैं वो होगा, बोलते हैं वो ऐसी कर करके रोज ठगते हैं, ये क्या करना है? हर घर में नल है, हमारे ही मोहल्ला में नहीं है, देखो घर अंदर थोड़ा घुस के देखो जानकारी की, हमारा यहाँ कोई नहीं है, किसी के यहाँ कुछ नहीं है, वो देखो ना उधर वो नाली को भी देखो, गाय का कोटा के लिए ले गए, नल के लिए ले जाते हैं, हर चीज के, इंदिरावास के लिए 40 साल हो गया मेरे को, आज तक कुछ नहीं मिला है सरकार की तरफ से, मैं ऐसी बना के ऐसी खा रहा हूँ, मंदिर है, ये मंदिर से मैं भगवान का पूजा करता हूँ, भगवान आरूज लोग उसी में मैं जीना कर रहा हूँ, और क्या करूंगा सर, पानी की समस्या नहीं होता इतना। देखिए जैसे आप बोल रहे हैं कि वोट मांगने के लिए आते हैं, तो आप लोगों को सीधे ये हाउ, देखिए उनको तो वोट चाहिए बोलेंगे, आप लोग सीधे अपना एक यूनिटी बनाइए, टीम बनाइए कि हम वोट देंगे क्योंकि हमारा अधिकार है वोट देने का, लेकिन आप लोग आते हैं बस झूठे साचे वादे करते हैं, उसके बाद हमारे लिए आप लोग करते नहीं है। ठीक है सर, हम तो भरोसा कर लेते हैं उनके बात को, हम सच्चाई बात है करेंगे, आज नहीं तो कल बोल के बोलते हैं, सरपंच सचिव सबको बोलते हैं, लेकिन उन लोग करते ही नहीं है, बाद में बुझका देते हैं, फिर 5 साल पूछ जाता है, फिर 5 साल के बाद भूल जाते हैं, और फिर नया बनता है तो नया फिर बनाऊंगा बोलता है, वही तो हो रहा है सर।
देखिए दीदी क्या बोल रही हैं, सुनते हैं आप, बताइए दीदी क्या बोल रही हैं। हम सबसे ज्यादा ना आके कर देते हैं बोलते हैं, तो हम बोलते हैं कि इंसान का ऊपर भरोसा करेंगे एक बार, तो भरोसा करते हैं, हम लोग का भरोसा ही तोड़ देते हैं। कोई भी इंसान को बोलेंगे तो करेंगे बोल के भरोसा करते हैं। देखिए दादी क्या बोल रही हैं। 15 दिन लाइट लगाए हैं ये रोड में, तो 15 दिन जला है, मात्र 15 दिन, उसके बाद बंद हो गया। 15 दिन जला है, उसके बाद नहीं जला, तो ये रोड में एकदम आंधेला है। आइए इधर आइए, देखिए एक भैया मिले हैं, क्या बोलना चाहते हैं भैया। देखिए दीदी लोग दादा सारे समस्याओं को बताए, आप कहीं ना कहीं युवा हैं, मैं आपके छोटे भाई जैसा हूं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यहाँ इतनी सारी समस्याएं हैं, आप लोग आवाज़ उठाते हैं तो क्या खबर आता है? आवाज उठा रहे तो बोलते हैं भैया इधर की बना देंगे, बोल के लाइट भी लगाए हैं, क्यों नहीं जल रहा है बोल के पूछने से बोलते हैं, बहुत बिल आया है। अच्छा। बिल पटा नहीं पा रहे इसलिए नहीं जल रहा है। हाँ। ऐसी बोल के बोलते हैं। तो शहर के लोगों के लिए बिल पट जाता है और आप लोग शहर में ही थोड़े दूसरे किनारे में है तो बिल नहीं पटता है? इधर बिल नहीं पट रहा है, लाइट का बिल नहीं पटा है, कहाँ से बिल पटाने से तो लाइट जलेगा, बिल नहीं पट रहा है बोल के नहीं जला रहे अभी। अच्छा। बहुत दिन हो गया नहीं जला रहे, बंद कर दिए। अच्छा। और ये जो पानी की समस्या है उसका क्या समस्या है? पानी समस्या बोले से दे पास बोरिंग नल लगा तो दिए है, दिख रहा है जे ये पास, टाइम टाइम छोड़ते है, 12 बजे खोलते है आधा घंटा 1 घंटा, फिर दोपहर को 3 बजे दोपहर को और खोलते है। प्यास लगेगा तो वहाँ से पियोगे सर पानी? वो पानी नल लगा है उसको थोड़ा ठीक से बना दो बोले, सो बना के ही नहीं दे रहे है, रोड किनारे लगा दिख रहे हो ना कीचड़ कूड़ा में, वो बोरिंग लगा था, बोरिंग मतलब वो तो ऊपर दिख रहा है, वहाँ है एक बोरिंग, वहाँ से लाते हैं पानी, वहाँ सब जन भर के पी रहे हैं, वहाँ भी सौर ऊर्जा बनाएंगे बोल के ना गड्ढा खोदे, गिट्टी भी वहाँ पर डाले थे, उसके बाद पता नहीं गिट्टी उट्टी सबको ले गए, सौर ऊर्जा बनाएंगे बोल के बोरिंग लगेगा बोल के बोले, अरे वहाँ भी नहीं बना। तो आप कभी अपने मोहल्ले के जो लड़के हैं जो युवा हैं उनको लेकर कभी आप लोग विधायक जी के यहाँ नहीं गए कि सर हमारे लिए आप लोग कुछ कीजिए? जी वहाँ तो नहीं गए हैं सर हम लोग, लेकिन ना पंच उंच लोग बोल रहे थे यहाँ बना के देंगे बोल के, भैया बन जाएगा, हम लोग पूछे क्या के गड्ढा खोद रहे हैं भैया बोले पानी भरते समय, तो बोले यहाँ सौर ऊर्जा लगा के देंगे, सौर ऊर्जा वाला बोरिंग बनेगा उसलिए गड्ढा खोदे, मोटर लोगरा गिराए हैं बोल के गिराए थे मोटर लोगरा, इसके बाद पता नहीं क्या हो गया फिर पाट दिए, वहाँ सामान भी गोल हो गया, बिजली वाले मन लगाए लाइट मन लगाए किसी का शाम तक को कोई जलता ही नहीं। बिजली को लेकर दादा क्या बोल रहे हैं? देखो हाँ। अभी खमा मन लगा है, लाइट लगा है, लेकिन वो लाइट जलता ही नहीं है, 5 साल होने जा रहा है, कब जल रहा है थोड़ी देर उसके बाद बंद हो रहा है। घर का लाइट भी वैसी समस्या कर रहा है, अभी भी गोल रहता है, कितना समय बार बार गोल होता है, शाम को खाते समय गोल हो जाता है, ऐसा भी होता है। रोड का लाइट तो बिल्कुल जलता ही नहीं है। देखिए आप लोग देख सकते हैं कि जगदलपुर के दूसरे छोर पे मतलब जगदलपुर शहर से जुड़ा हुआ 1 किलोमीटर और यहाँ कितनी सारी समस्याएं हैं। पानी भी नहीं है, इंदिरा आवास के थ्रू घर भी नहीं मिला है, बिजली की भी समस्या है, नाली का भी समस्या है, मतलब ऐसी ऐसी समस्याएं हैं कि मतलब क्या मैं बताऊँ आप लोगों को। हमारा भी सरकार से निवेदन है कि देखिए जो हम गरीब लोग हैं बस वोट देने के लिए नहीं है, हमारे लिए भी थोड़ा आप लोग सोचिए करिए, हम लोग रहेंगे तभी आप लोगों को वोट देंगे तभी आपकी सरकार बनेगी, यही हम लोग का आपसे कहना है। धन्यवाद।